राम राम जी। असी कई दिनों तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज की अवतरित वाणी भक्ति प्रकाश के विच दर्ज ते चर्चा कर रहे हाँ। आप जी दे नाल मैं आप दे विचार सांझे किए, जिन्हों तुसी कह सकते हो कि मैं अपने शब्दों के इसकी पंजाबी दे विच व्याख्या की, क्योंकि पिछली कैसेट के मैं राम कृपा अवतरण का जिक्र किया और उस मैं स्वामी जी महाराज का संखेप जीवन जो है वह भी वर्णन किया। अज असी उस कड़ी नूं अगे वधाउंदे हुए आपस दे विच जो राम कृपा अवतरण के 16 श्लोक हैं उन्हां दे उपर विचार सांझे करन जा रहे हैं। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। इस दे विच परम शब्द का बार बार जिक्र आया है। परम शब्द के बारे मैं पहला एक आडियो दे विच आप जी दे नाल विचार सांझे किए कि जिस दा कोई और छोर नापया नहीं जा सकता, मिणिया नहीं जा सकता, तुलिया नहीं जा सकता, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती, जिसकी ऊंचाई नहीं नापी जा सकती, उस नूं वर्णन करने वास्ते परम शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस दे विच ये वर्णन आया है कि जो परमात्मा श्री राम है, प्रभु श्री राम, उसनों भी परम कहा और कृपा दे स्वरूप नूं, यानी कि वो जो परमात्मा श्री राम है वो बहुत ही अपार कृपा का स्वरूप है। और वह जिस तरह के मैं पहला कहा सी कि परमात्मा की है, ये उस गल का जवाब है कि वो जो परमात्मा है प्रभु श्री राम है वो सब तो ज्यादा सब तो वड्डी कृपा करने वाली मूर्त है। उस दे नाल इसी के परमात्मा की करता है, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम, वो जो परमात्मा है वो आपके जीवन के अंदर पवित्रता का भाव पैदा करता है, यानी कि शुद्धता पैदा करता है, वो जीवन को पवित्र करता है। और वो जो परमात्मा है वो सर्वनो वड्डा पुरख है, यानी कि पुरख है। और वो रहिंदा कित्थे है कि उस दा जो है वो बहुत वड्डा घर है, सुखां दा दाता वो परमात्मा पुरश, उस प्रभु दा वो जिहड़ा सुखां दा घर है, तां दे हुंदा घर, उस परमात्मा का जो है ना वो बहुत वड्डा सुखां दा घर है। सुख दा है शोभा कृपा शक्ति शांति सब रूप। इस दे विच भी उही गल आ जाती है कि परमात्मा की है, वो जो परमात्मा है वो शक्ति दा शांति दा सब रूप है। उस दे नाल नाल की है कि वह सुख देने वाला सुखां दा दाता है और शुभता करने वाला है। उसकी जो कृपा है उस दे नाल सुख मिलता है, उसकी कृपा दे नाल जो साढ़े अंदर है शुभता का भाव, यानी कि चंगे विचारों का उदय होता है साढ़े अंदर। उस परमात्मा की कृपा दे नाल सुख मिलता है, चंगे भाव मिलते हैं, शक्ति होती है और शांति का वह स्वरूप है। है जन आनंदमयी राम कृपा अनूप, वो जो परमात्मा है वो ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है। वो आनंदमयी परमात्मा जो है वो सानू ज्ञान दिंदा है, ज्ञान तो बाद है कि सानू वो समझ दिंदा है, क्योंकि असी अध्यात्मक की चर्चा कर रहे हाँ, रूहानियत मार्ग की यात्रा कर रहे हाँ। तो इत्थे जो ज्ञान है वो परमात्मा के बारे जो सानू जानना चाहिए है, उस दा सानू
ਉਹ ਆਨੰਦਦਾਈ, ਆਨੰਦ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਕਾ ਨਾਮ, ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ, ਬੀਜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਰਾਮ। ਪਰਮ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਕਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਪੁੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ, ਤਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਰਨਾ, ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਰਾਮ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਰਗ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੁਰਗਾ। ਦੁਰਗਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ, ਔਰ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 9 ਸਰੂਪ ਹਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਜੋ ਰੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦੁਰਗ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 9 ਖੰਡ ਹਨ, 9 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ 9 ਕਮਰੇ ਹਨ, 9 ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਤਰਿਕ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦੁਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਸੇ ਹੋ ਤਭੀ, ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
और इत्थे यह जरूरी हो जाता है कि दसवें द्वार का जिक्र जो किया है स्वामी जी महाराज ने तो पहले द्वार का भी तो कित जिक्र होना चाहिए सी उत्थे भी तो कुछ उन्होंने दसना चाहिए सी। सो वो पहले जोड़े नौ घर है उन्होंने स्वामी जी ने शक्ति करके वर्णन किया है। जिस तरह साधक अपनी साधना के उन्नति करता जाता है ध्यान अवस्था की प्राप्ति होंगी जाती है तो यह साढ़े जोड़े शरीर के चक्र हैं या द्वारे हैं वो खुलते जाते हैं। जिस तरह तुम अधिष्ठान देखोगे कि लाल रंग जो है ना वो साढ़े सारों पहले चक्कर का सारों पहले द्वार का खुलन के जो प्रकाश पैदा होता है वो है जिसन असी मूलाधार कहने उस खुलन से जो है वो लाल रंग का प्रकाश उस भवन के उस कमरे के खुलन से जो उसका दरवाजा साड़ी साधना के नाल खुलता है तो उसके अंदर जो प्रकाश है वो लाल रंग का प्रकाश है। वो लाल रंग का प्रकाश जो है ना वो सानू नज़र आता है। नज़र कितों आता है साड़ी अंतरिक दृष्टि के नाल बंद अखा के नाल साड़े मस्तक के जो तीसरा नेत्र है जिन्हों असी ज्ञान चक्षु भी कहने और उतों और जिसनों छेवा द्वार भी कहने छेवा चक्र भी कहने और जिसनों आग्या चक्र भी कहा जाता है जितों के उपरले पांच चक्रां की यात्रा शुरू होती है। पांच चक्कर जो हैं वह शरीर के अखा तो थले हैं बाकी जो पांच हैं वह चक्कर वो अखा तो उपर हैं यानी उस स्थान पर इस साधक को परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है जल दृष्टि प्राप्त होती है। उस दे प्राप्त होने दे नाल ये जिमें जिमें साढ़े शरीर के अंदरले चक्कर खुलते जाते हैं या वो द्वारे खुलते जाते हैं उस तरह जो है ना वो प्रकाश पुंज सानू जो है ना वो नज़र आते जाते हैं। इन्हों का वैसे मैं इन्हों सत चक्रा का पहला भी अपने एक कैसेट के जिक्र कर चुका हाँ पर मैं इतने क्योंकि मैं शक्ति घर का वर्णन कर रहा हाँ तो ये भी मैं इन्हों का जिक्र कराँगा। बीजा अक्षर है राम सानू इन्हों चीज़ों के इन चक्रा के खुलने की जो ताकत शक्ति मिलती है वो जो साड़ा मूल मंत्र है वो साड़ा मूल मंत्र की है राम मूल मंत्र राम शब्द के जाप के नाल ये जो द्वारे खुलते हैं तो उन्होंने अगे सानू जो है वह नज़ारे जो है ना वो मिलते जाते हैं। वो जो परमात्मा की कृपा है वो सानू जो है ना वो मिलती जाती है तो यह प्रसंग इस तरह ही अगे चलता रहेगा। धन्यवाद दाता भला करे। राम राम राम।